गेस कीजिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम आज जा पाएंगे। उससे ज्यादा ही होगा। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, की हाल चाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशिका मुत्रेजा ब्लॉग्स। सो गाइस, गेस कीजिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गुड़गांव में है जो कि। सो गाइस, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा हमारा सत्संग बन गया ये कि गुरुजी ने जैसे हमें बुलाया, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, हुआ ऐसे कि सुबह में विक्की ने मुझसे पूछा, पहले तो अपने साले साहब से पूछा कि हम बड़े मंदिर चलें। तो एक्चुअली हम घूम के बहुत आ रहे हैं, 30 स्थानों पे ही जा रहे हैं, हमारा रेस्ट नहीं हो पा रहा। तो उसने थोड़ा सा स्माइल कर दिया कि पता नहीं, मतलब इतने टायर्ड है हम लोग। सो फिर मैं नीचे उतर के आई तो फिर विक्की ने मुझे बोला कि हम बड़े मंदिर चले। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था तो मैंने भी स्माइल कर दिया। मुझे लगा यार परसों तो अभी हम आए हैं, पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा। सो विक्की के माइंड में ये आया, विक्की ने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी मेरी इस मंथ की हाजिरी रह गई, क्योंकि हम ना बॉम्बे में एवरी मंथ जाते हैं। तो विक्की ने सोचा मैं गुरुजी को प्रे करता हूँ, ये तो स्माइल कर रहे हैं, गुरुजी कुछ कर सकते हैं, तो गुरुजी अब आप बताइए, मेरी तो इस मंथ की हाजिरी रहेगी, मैं कैसे करूँ। और ये जिम चले गए ये बोलकर। अब मुझे नहीं पता वो प्लानिंग कैसे बना, पापा के एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि आज महासमाधि दिवस है, गुरुजी इस दिन चोला छोड़कर गए थे तो हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, चलें क्या सब लोग, आपको चलना है तो। अब मुझे नहीं पता, पापा भी इतनी जल्दी हाँ नहीं भरते, तो पापा ने भी हाँ भर दिया और बोला कि नहीं आप लोग ऐसा करो, हम लोग दोनों गाड़ी निकालते हैं, हमारे साथ ही चलो। और ऐसे ही विक्की को फ़ोन किया, विक्की जैसे ही घर आई तो मेरे बड़े ब्रदर ने बोला जीजू देखो अंदर जाके क्या प्लान हो रहा है। तो विक्की का कुछ ठिकाना नहीं था कि सच में ऐसा, मतलब गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, मैं तो बोल रहा था कि तुम लोग से रिक्वेस्ट करा था और गुरुजी ने तो सच में हाँ भर दी कि हमें जाना है बड़े मंदिर, और बहुत खुश हो गए। तो ये हमारा छोटा सा सत्संग बन गया गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। तो गाइस, बाकी में वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी मांगो वो उस चीज को पूरा करते हैं। और ये जो आज हमने आपको जो अपना सत्संग सुनाया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए, मैंने सच्चे मन से गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ, आपके यहाँ पर आके मत्था टेकना चाहता हूँ, बड़े मंदिर में आना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ ना गाइज, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम आज जा पाएंगे, क्योंकि कल मैं और सचिन वैसे भी गुड़गांव गए थे, और जब मैंने इनको ये भी कहा तो ये भी पूजा ने मुझे बोला कि अगर आप कल गए थे तो वहाँ गए क्यों नहीं। मैंने भी ये बोला सुबह में, तो आप कल गुड़गांव होके आए हो, रात में घर आए हो, पूरा दिन वहाँ पे टाइम पास किया आपने, तो आप बड़े मंदिर जा सकते थे। बिकॉज मेरा था ही नहीं, मैं सच बोलूँ ना, मेरे अंदर से भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग कल से थके हुए थे तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग जाएंगे। ये तो चमत्कार ही, क्या ही बोलूँ मैं। गुरु जी ने आपको बुलाना था, वो किस तरीके से बुलाया है देख लो आप, और इतना बड़ा दिन है आज। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे पूजा ने आपको बताया कि आज गुरु जी ने समाधि ली थी। तो गाइस, मेरे को सच्ची में वर्ड्स नहीं है, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ और गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ। उसमें एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो गाइस, 2.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं गुरुजी के आश्रम, और ये तो गाइस अभी पार्किंग एरिया है, और अब खाली गाइस देखिए कितनी गाड़ियां यहां पर आई हुई हैं और अभी भी आई जा रही है। अभी गाइस यहां से थोड़ा और अभी हमको अंदर चल के जाना है, ये तो सिर्फ पार्किंग एरिया था, और गाइस हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, उससे ज़्यादा ही होगा। और गाइस ये है सेकेंड पार्किंग एरिया,
देख सकते हैं गाड़ियों से कि गाड़ी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और मौसम भी बदल चुका है, बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। बाटी होल्ड, बाटी होल्ड, एग्जिट। तो गाइज हम दर्शन करके आ गए हैं। गाइज इतना मजा आया दर्शन करके, गाइज इतने लोग थे, इतने लोग के पूछो ही मत, भीड़ का अंदाजा नहीं, हाँ, भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोग होंगे, लेकिन बहुत ही अनगिनत लोग थे। बहुत ही मजे वाले दर्शन हुए हमारे, बहुत ही मजा आ गया, बहुत आनंद हुआ, आनंद मिला गाइज। ये देखो ये लोग तो यहाँ पर ही है, यही शुरू हो गया प्रसाद मिला है गाइस, देखो यहाँ पर ही। वो मेरे को तो तो गाइस ये देखिए प्रसाद है, ये आशा देख ले कौन सा लेना है, समोसा कैसे है। तो गाइस अब बस भूख लग रही है तो हम अभी गाड़ी में ही खा लेंगे। देख ये है, और गाइस अभी भी हम जैसे बाहर आए लोग आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। तो गाइस हम घर पहुंच गए, तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। एज यूजुअल बहुत थक चुके हैं गाइस, बट इस थकान में भी बहुत मज़ा है क्योंकि गाइस हमें बहुत ही खुले दर्शन हुए और जो हमारी चाह थी पूरी हुई। तो गाइस मिलते हैं आपको कल अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आशका मुकेजा व्लॉग्स। बाय बाय। दुवारी कह दो गुरुजी जाए शंकर।